हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर केमिस्ट्री क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो पे हम जो चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन वाली सीरीज देख रहे थे, उसमें आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जेम डाइहैलाइड और विच डाइहैलाइड के बारे में। ठीक है, उसके बाद का अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बनाने हैं है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड को, एल्किल क्लोराइड की संरचना समझाइए, एल्किल क्लोराइड की संरचना समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास है दोस्तों। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड को संरचना समझाइए। ठीक है, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे बनाना है देखते हैं। कार्बन कितने बंध बनाता है दोस्तों, यहाँ पर 4 आबंध बनाता है। ठीक है, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन व हेलो एरिन, तो सबसे पहले तो आप लगा दीजिए एक हेलो मतलब हेलोजन समूह। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा दे, CH3। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल क्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बनाना है 2 डिग्री, तो फिर से वही कार्बन कितने लग, कार्बन यहाँ पर रखने हैं एक है ना, और एक आप लगा दीजिए हेलोजन, और CH3 की संख्या क्या कर दीजिए आप, 2 कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल क्लोराइड, ये हो जाता है आपके पास द्वितीयक एल्किल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट तृतीयक एल्किल क्लोराइड के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज है ना, कार्बन 4 आबंध लगाइए, एक हेलोजन लगा दीजिए और CH3 3 बार से आप लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपके पास, तृतीयक या 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल क्लोराइड, ये तीनों की संरचना है ना। एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड की संरचना आपने बना लिया, क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं ये रब कर रहा हूँ है ना, आप नोट करते हुए चलिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, जैसा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन याद रखिए कि कुछ आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जो लिखा है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में कार्बन हेलोजन आबंध है ना, CX आबंध की प्रकृति समझाइए, आबंध की प्रकृति समझाइए, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, इसको मैं आंसर लिखते हुए भी चल रहा हूं और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा भी। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है दोस्तों, हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, अतः कार्बन हेलोजन आबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्रुवित हो जाता है। अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन हेलोजन आबंध क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। आबंध ध्रुवित
हो जाता है। इसमें कार्बन परमाणु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बता दीजिए आप। कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश आएगा, ठीक है, कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश, तथा हैलोजन परमाणु पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋण आवेश, तथा हैलोजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। क्लियर है बात दोस्तों, देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिए। इसमें आपने लिखा है हैलोजन परमाणु जो होते हैं कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इसमें कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर साइड में ऐसा लिख लेना, है ना, एक छोड़ के एक लाइन छोड़ते हुए, कार्बन है और ये हैलोजन है। आपको पता है हैलोजन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश और यहाँ पर कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आवेश, ठीक है। तो बस यही पॉइंट को आपने समझाया, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, अब इसके सहायता से आप हेल्प करते हुए इसको देखिए। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है ना, हैलोजन परमाणु जो है कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः एल्किल हैलाइड, है ना, ये एल्किल और ये हैलाइड, अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो जाता है, ध्रुवित, ठीक है। कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो जाता है, ध्रुवित, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इस कारण से क्या हो जाता है, कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाते हैं। इसमें कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश, है ना, कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन यहाँ पर रब करते हुए चल रहे हैं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसी का ही आंसर मैं अभी लिखाऊंगा, है ना, आगे और आपको किस प्रकार से लिखना है इस पर अपन बात करेंगे, तो मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, आगे इसमें और भी आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात। चलिए अब इसमें आगे अपन लिखते हैं हेलो एरिन, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिएगा आप, है ना, इसमें हेलो एरिन, हेलो एल्किन, हेलो एरिन, हेलो एल्किन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, इसके निम्न कारण हैं, ठीक है। अब वो कारण क्या क्या है, वो कारण में पहला कारण है, लिखते हैं हेलो एरिन से, में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु, सी एक्स जो होता है sp2 संकरित होता है, ठीक है, sp2 संकरित होता है, जबकि एल्किल हैलाइड, में कार्बन परमाणु, sp3 संकरित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला पॉइंट इस प्रकार से लिखना है कुछ, है ना, क्या लिखा है मैंने फिर से एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ, हेलो एरिन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हेलो एरिन में, ठीक है, हेलो एरिन में क्या होगा, sp2 संकरित, जबकि एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु क्या होता है, sp3 संकरित होता है। हेलो एरिन में याद रखिए sp2 संकरित, और एल्किल हैलाइड आप लेंगे तो कार्बन परमाणु जो रहेगा sp3 संकरित अवस्था में रहता है, ठीक है। अब इसी में अपन दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, फिर से मैं ये रब कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे कि क्या आता है इसमें, ये रब करते हुए अपन चलते हैं, फिर दूसरा पॉइंट के लिए अपन जगह
इसमें लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो रहेगा दोस्तों इसी का ये है आंसर, sp2 संकरित ऑर्बिटलों, sp2 संकरित ऑर्बिटलों, ठीक है, sp2 संकरित ऑर्बिटलों में, ठीक है, फिर से अपन रिपीट कर रहे हैं, है ना, sp2 संकरित ऑर्बिटलों में s प्रवृत्ति अधिक रहती है ना, sp2 संकरित ऑर्बिटलों में, sp2 संकरित ऑर्बिटलों में s प्रवृत्ति अधिक रहती है, s प्रवृत्ति अधिक रहती है ना, s प्रवृत्ति अधिक रहती है, अतः इनका आकार छोटा होता है, अतः इनका आकार छोटा होता है, ठीक है, तथा इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट रहते हैं, है ना, नाभिक के अधिक निकट रहते हैं, परिणाम स्वरूप नाभिक से इलेक्ट्रॉन युक्त अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है, दृढ़ता से बंधा रहता है, ठीक है दोस्तों। इतना पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, sp2 संकरित ऑर्बिटलों में s प्रवृत्ति अधिक रहती है, अतः इनका आकार छोटा होता है, तथा इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट रहते हैं, परिणाम स्वरूप नाभिक से इलेक्ट्रॉन युक्त अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है, ठीक है। तो यहां तक के आपने ये क्वेश्चन किए, इसके बाद हम आएंगे, अब पूरे जो रिएक्शन मिलेंगे हैं, पूरे नेम्ड रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद के जो क्वेश्चन है पूरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में या आपके लोकल एग्जाम में, है ना, ये 11th केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ट में आपको नोट्स बनाते हुए चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ट जो नोट्स है आपके सीजी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विलियमसन संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण क्या है रासायनिक समीकरण दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि आप पूरे समीकरण सहित आप थ्योरी भी लिखते हैं तो 3 मार्क्स के रहते हैं, अगर सिर्फ विलियमसन संश्लेषण क्या है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए बोल रहे हैं ना, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तर लिखते हैं अपन, ठीक है, आपको इसमें थ्योरी बिल्कुल भी याद नहीं करने होते है ना, आपको रिएक्शन बनाने आ जाएंगे, थ्योरी अपने आप आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से थ्योरी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर रिएक्शन अपन लिखेंगे तो सेम चीज आप देखेंगे कि थ्योरी में भी वही लिखा है, ठीक है। तो उत्तर आप ऐसा करके लिखें, एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड या एथोक्साइड भी बोलते हैं आप, ब्रैकेट में इसको ना एथोक्साइड भी लिख सकते हैं, है ना, ब्रैकेट में करके आप एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाता है
इसे ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, इसे ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। चलिए ठीक है, इतने आपको लिखने थ्योरी, तीन लाइन के, ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आप ले लीजिए एल्किल हैलाइड, ये मेरे पास है एल्किल, और मैंने यहां पर लगा दिया एक बीआर, ये क्या बन गया आपके पास एल्किल हैलाइड को आपको किसके साथ अभिक्रिया कराना है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं NaOC2H5। ठीक है, तो यहां पर से आप ये इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि क्या अलग होता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना। यहां पर से देखिए NaBr, क्लियर है बात, यहां पर से NaBr सोडियम ब्रोमाइड अलग होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपने NaBr को अलग कर दिया। सबसे पहले यहां पर NaBr लिख लीजिए जो अलग हुआ है उप उत्पाद के रूप में, और बच क्या गया C2H5, C2H5 यहां का O और नेक्स्ट C2H5, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एल्किल हैलाइड है ना, यहां पर से आप देखिए एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ये क्या है आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड है ना, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाता है ना, ईथर बनाता है, इसे ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर आपको समझ में आ रहे हैं ना, मुझे कमेंट करके बिल्कुल आप बताते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अपन रब करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को अपन रब करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। विलियमसन संश्लेषण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थ्योरी नोट्स इसमें बनाते आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स के आते हैं, और अगर सिर्फ समीकरण पूछ दिया तो 1 मार्क्स के रहेंगे, है ना। तो इसमें आप उत्तर लिखें, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है क्यूप्रस क्लोराइड और HCl, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, HCl के साथ या HCl की उपस्थिति में भी लिख सकते हैं ना, HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है, अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है, इसे ही सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अभिक्रिया देखते हैं किस प्रकार से आपको बनाने हैं। ठीक है, थ्योरी आपने देख लिया, अब अभिक्रिया आते हैं। सबसे पहला आप बना दीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ये आपके पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किसके साथ अभिक्रिया Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहां पर से देखिए दोस्तों N2 अलग हो जाता है ना, ये N2 आपने अलग कर लिया, और बच क्या आ गया आपके पास C6H5 और यहां का Cl, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, क्लोरोबेंजीन, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। तो एकदम आसान सा अभिक्रिया है, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार फिर से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, ये था आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, ये है आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड और HCl है ना, ये है आपके पास HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है, इसे ही सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सैंडमेयर अभिक्रिया भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, तो मैं ये रब कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिंकलस्टाइन अभिक्रिया के बारे में। तो क्वेश्चन लिखते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को समीकरण से ही समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, नंबर आप डालते हुए चलिए, मुझे ध्यान भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को समीकरण से ही समझाइए। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए, समीकरण सहित समझाइए, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं, है ना, उत्तर में कुछ इस प्रकार से लिखने हैं, ना ध्यान दीजिए, फिर से मैं अभिक्रिया लिख के बाद में आपको क्लियर समझाऊंगा, ठीक है। एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन या मेथेनॉल है, एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में, मेथेनॉल की उपस्थिति उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराने पर, सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, इसे ही फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, इसे फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका अभिक्रिया देखेंगे आपको किस प्रकार से बनाने, क्या लिखा है उसको देखते हुए चलिए। एल्किल क्लोराइड, ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए C2H5Cl, ये एल्किल क्लोराइड हुआ या एल्किल ब्रोमाइड, दो अभिक्रिया में मैं समझा रहा हूं, आप एक भी लिख सकते हैं, है ना, एक भी लिखते हैं तो सफिशियंट है ना। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, यहां पर Br लगाएंगे तो ये बनेगा ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में, आप क्या लेने हैं, एसीटोन या मेथेनॉल, है ना, एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में, है ना, सोडियम आयोडाइड, यहां पर देखिए सोडियम आयोडाइड, तो यहां पर मैंने लिख दिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर, देखिए यहां पर से NaCl अलग हुआ तो दिख रहा है, तो यहां पर NaCl आप अलग कर लीजिए उप उत्पाद के रूप में, और बच क्या गया C2H5 और यहां का आई, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एल्किल आयोडाइड, ये क्या हो गया आपके पास, एल्किल आयोडाइड। सेम अभिक्रिया इसमें भी है, वही आपको कराना आ जाएगा, है एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में लेना है, एसीटोन या मेथेनॉल और यहां पर सोडियम आयोडाइड, तो यहां पर से NaBr अलग हो रहे हैं, ठीक है, NaBr और क्या बच गया C2H5I, एल्किल आयोडाइड, इसको भी वही क्या बोलेंगे, एल्किल आयोडाइड बोलेंगे, ठीक है। तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, है ना, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, ये देख लीजिए ये एल्किल क्लोराइड है और ये एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से, है ना, ये क्या है, NaI सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड, है ना, ये एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ है। NaCl अलग हुआ है दोस्तों, यहां पर से NaCl मैंने लिख दिया है और यहां पर से NaBr अलग हुआ है, तो NaBr मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब बच क्या गया C2H5I यहां पर लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्या होती है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, ये रख कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही आपको ये हेल्प होने वाले हैं, ठीक है, और मैं कंटिन्यू हर चैप्टर के इसी प्रकार से नोट्स बना के वीडियो डालूंगा, और आपको ये जो नोट्स जो मैंने बताया है इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहा हूँ, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन
से वन आयोडो प्रोपेन, वन क्लोरोप्रोपेन से क्या प्राप्त करना है दोस्तों आपको, वन आयोडो प्रोपेन प्राप्त करने का समीकरण लिखिए, प्राप्त करने का समीकरण लिखिए, प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स के हैं, है ना। इसमें आपको बोल रहे हैं वन क्लोरोप्रोपेन से वन आयोडो प्रोपेन प्राप्त करने का समीकरण। प्रोपेन मतलब आप जानते हैं दोस्तों कार्बन की संख्या होगी इसमें तीन, ठीक है। अब वन क्लोरो बोला है तो यहां पर आप लगा दीजिए Cl, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया वन क्लोरोप्रोपेन, हाइड्रोजनों की संख्या आप लगाते हुए चलिए ये टू, ठीक है, ये मैं रख कर रहा हूं ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया वन क्लोरोप्रोपेन से आपको क्या प्राप्त करना है, वन आयोडो प्रोपेन। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में, एसीटोन या आपको लेने हैं मेथेनॉल, एसीटोन या मेथेनॉल, और ये अभिक्रिया होगी फिर से सोडियम आयोडाइड के साथ। तो NaCl अलग हो रहा है, तो यहाँ पर NaCl आप उप उत्पाद को यहाँ लिख दीजिए, और बच के आ गया CH3, CH2 और I, तो इसे क्या बोल सकते हैं, वन आयोडो प्रोपेन। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, वन आयोडो प्रोपेन प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए अभिक्रिया भी थोड़ी देर आपने पहले आपने पढ़ा, इसे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो अभिक्रिया है देख रहे हैं आप, है ना, 11वां क्वेश्चन में मैंने बताया है, ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास स्वार्ट्ज अभिक्रिया, तो ये मैं रख कर रहा हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे स्वार्ट्ज अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट स्वार्ट्ज अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए, स्वार्ट्ज अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए, समीकरण सहित समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, तो फिर से वैसे ही आंसर आप लिखते हुए चलिए। धात्विक फ्लोराइडो जैसे AgF मतलब सिल्वर क्लोराइड अथवा SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड का संश्लेषण होता है, क्लोराइड का संश्लेषण होता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका अभिक्रिया समझते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या लिखा है, धात्विक फ्लोराइडो, ठीक है। धात्विक फ्लोराइड में आप AgF ले सकते हैं, ये है एक धातु और ये फ्लोराइड, ये धात्विक फ्लोराइडो जैसे AgF या SbF3 भी ले सकते हैं की उपस्थिति में क्या कराना है दोस्तों आपको, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर CH3Br ये आपने ले लिया, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, यहाँ Cl भी लगा सकते हैं, ये हो गया मेरे पास एल्किल ब्रोमाइड। को गर्म करने पर क्या हो रहा है, गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड, यहाँ पर से AgBr अलग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर से अलग क्या हुआ, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड अलग हुआ, और बच क्या आ गया आपके पास CH3F, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एल्किल क्लोराइड का संश्लेषण होता है, इसे ही क्या कहते हैं आप, स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ तक कि क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं हैं। तो एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वार्ट्स अभिक्रिया को समीकरण सही समझाइए। तो क्या लिखा है आपने, धात्विक फ्लोराइडो, ठीक है, ये आपके पास है धात्विक फ्लोराइडो, ठीक है, धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF अथवा SbF3 भी आप ले सकते हैं की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। मैंने लिया है एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड, को गर्म करने पर क्या हुआ, एल्किल फ्लोराइड का संश्लेषण होता है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे यहीं तक के करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे अपन इसके चैप्टर नंबर 10 के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।